में बर्डी पुलिस थाना अंतर्गत 2021 से 2022 के बीच विभिन्न जगहों से गुम हुए मोबाइलों को जब्त कर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद इन मोबाइल को उनके मालिकों तक सही सलामत पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया। इस दौरान कुल 4 लाख के मोबाइल बांटे गए। शहर के सीताबड़ी पुलिस ने एक सराहनीय काम को अंजाम देते हुए 2021 से 2020 के बीच विभिन्न जगहों से गुम हुए मोबाइल को जब्त करने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि इस दौरान करीब 35 नग मोबाइल जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे उनके मालिकों तक पहुंचाने का सीताबड़ी पुलिस ने सराहनीय कार्य किया, जिसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस ने इन बीसीएन को दी। बर्डी पोलिस हद्दी मध्य गर्दी के ठिकाण असल्यामुळे बऱ्याचदा मोबाईल मिसिंगच्या तक्रारी दाखल होत होत्या। त्या याच्यामध्ये पोलीस स्टेशनचे डी बी स्टाफचे API कदम PSI मगर व इतर बाकी डी बी स्टाफ यांनी चांगली मेहनत करून व चांगल्या टेक्निकली तपास करून चोर मिसिंग झालेले मोबाईल रिकवर केले। त्याप्रमाणे आज आम्ही जवळजवळ 35 मोबाईल परत केलेले आहेत, त्याची किंमत अंदाजे 4 लाख रुपये आहे। त्याचप्रमाणे याच्या आधी देखील मिसिंग झालेले 70 मोबाईल आम्ही परत केले होते। अशा प्रकारे चालू वर्षी 2022 105 मोबाईल मिसिंग झालेले आम्ही त्या मूळ मालकांना परत केलेले आहेत, त्याची किंमत अंदाजे 9 लाख रुपये आहे। गौरतलब रहे की 2022 सीताबड़ी पुलिस थाने में दर्ज मोबाईल चोरी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत कर फरवरी 2022 में कुल 70 नग मोबाइल जिसकी कीमत 5 लाख रुपए और साथ ही अगस्त महीने में 35 नग मोबाइल जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है, उसके मालिकों तक सकुशल पहुंचाया। इस दौरान बर्डी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री अतुल सबनीस, पुलिस निरीक्षक अमोल काचोरे, सह पुलिस निरीक्षक संतोष कदम, पुलिस उप निरीक्षक कैलाश मगर एवं पुलिस कांस्टेबल रमन खैरे एवं विक्रम सिंह ठाकुर ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन सभी मोबाइलों को हासिल करने में सफलता पाई। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।